अरे बजाओ रे। अरे भाई आप, अरे आप देखिए ना, ये लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं, आपको समझाइए ना इन्हें। अरे माफ करना, मेरे धंधे में कोई रिश्तेदारी नहीं। ए, अंदर ले जाके बंद कर दो इसे। अरे नाचो रे नाचो। वो देख पब्लिक कैसे मेरी मूर्ति को देखकर खुशी से उछल रही है। लेकिन मालिक के उछल कूद नहीं है, कोई उन्हें भूसे मार के उड़ा रहा है। देखिए बहुत गर्मी है तुझमें, कौन है बे तू और क्या लगता है तू इसका? अबे लड़की को बचाने आया हूँ, इतना भी नहीं समझता है? इतनी खूबसूरत हसीना को कॉलेज से उठा कर लाया, उसे बचाने उसका छावा तो आएगा ना। इतनी भीड़ खड़ी है पर सब वीडियो बनाने में बिजी है। लड़की के माँ बाप उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसे कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन तुम जैसे गुंडे उसे अपने बाप की जागीर समझते हो। इसमें गलती तेरी नहीं, तेरे माँ बाप की है। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो मैं उसे भी इसी तरह बचाता जैसे मैं इसे बचाने खड़ा हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले, तुम जैसों का खात्मा मेरे हाथों होगा। ट्रेलर देख लिया ना तूने? अब अगर अगली बार उंगली की तो मैं तुझे पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। अगर कोई शक है तो इसे टच करके दिखा, टू मच क्या होता है मैं बताऊंगा। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत की इसने? इसका सर काट के मेरी मूर्ति को बलि चढ़ा दो। अपने सारे आदमी टूट गए लेकिन मूर्ति नहीं टूटी। ए, देखा मेरे कदमों में पड़ा है तू? अगर दिमाग में चढ़ा तो मौत का तांडव दिखाऊंगा, अगली बार सरी उखाड़ दूंगा मैं।
जरूरत है या मेरी? मेरी। तो तू यहाँ आ जा। शंकर कहाँ है? काम क्या है? एक की सुपारी देनी है, कीमत बोल। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आना। क्या बोला? अपॉइंटमेंट लेके आऊं? यमराज मुझसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगता। अबे धुलाई तेरी कब हुई? क्या भी लगा? क्या भी लगा? अबे जब मैं पहली में था तो लोगों को थैली में डाल के मारता था। ये ले ब्लैंक चेक, अपनी शक्ल के हिसाब से भर ले। जल्दी बता किसको मारना है। देखा तूने सूरन बैंक के चेक का कमाल? अबे तेरे में जोश कम है क्या? उबाल तुझमें बहुत देर से आता है। अब सुन, फिगर दिमाग में बिठा ले। शक्ल मासूम लगती लेकिन पहुंची हुई चीज है। दो बार ढाई की कमर में दफन करना उसको। ये ले बेटा चेहरा पट्टी कर ले। सुपारी देना। मर गया ये साइल, मेले में देना ही बन जाता है। रेलवे स्टेशन जाके 12:30 की बैलगाड़ी पकड़ लेता हूँ। क्यों बरखुरदार? शेषनाग शंकर की जमकर धुलाई की है ना? बात का बवाल मत करो, भैया भी मारेंगे मुझे। और उसका पुतला भी तोड़ दिया। अरे क्या सर तुम्हें क्या लगा तुम ये कांड करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? गली का टपोरी समझा उसे, वो शेषनाग है। दरअसल भैया वैसे उसकी तोड़ाई किस वजह से की तुमने? उसने ईशा को किडनैप किया इसलिए मारा उसे। ये कल ही हुआ या पहले भी पंगा ले चुके? जिंदगी में पहली बार उससे आमना सामना हुआ। यानी फाइट एट फर्स्ट साइट? हाँ हाँ वैसा ही कुछ। ज्यादा चोट वोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैं नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। मूर्ति तो टूटी, उसका क्या क्या टूटा पता नहीं भैया। कौन है? ईशा है? फिर किसी की सुपारी तो नहीं दे रही? जाइए खा लीजिए सुपारी। मैं चलता हूँ। ए साइंटिस्ट तू कहाँ जा रहा है? तेरा चक्कर तो नहीं है ना किसी भला के साथ? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं। क्यों? हर किसी को ईशा जैसी लड़की कहाँ मिलती है? लड़की मिलती नहीं है, ढूंढनी पड़ती है। जा ढूंढ, मिल जाएगी। ठीक है भैया। वैसे सर एक बात पूछूं, साहिल ने शंकर की धुलाई की इस बात से आप मन ही मन खुश हो रहे हैं ना? खुश तो होना ही है। इस भाई ने जो करने का सोचा वो उस भाई ने कर दिखाया। टारगेट तो सेम ही है ना, हमें यूनिफॉर्म के साथ लिमिटेशंस में रहना पड़ता है लेकिन उसके लिए नो पाबंदी। चल यार चले। ए, रुक जा। हेलो। ये नंबर किसका है? मेरा ही है। इतने मिस कॉल क्यों दिए? बस ऐसे ही। ऐसे मतलब? ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा फोन क्यों किया? पद्मा की शादी के लिए मैं गांव आई हूँ, यहाँ पर 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम यहाँ आ जाओ ना। अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम जहाँ जा जाओगी तुम चाहती हो कि मैं बैग लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आऊँ? मुझे देखने का तुम्हारा मन नहीं करता? मन तो बहुत करता है जानू, पर थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है। सुबह मिलना, शाम को मिलना, आधे घंटे बाद मिलना, ये सारे चोचले मुझे नहीं आते। मुझे हार बना के अपना बना लो, फिर दिन रात देखती रहना। बाय। साहिल, साहिल। अरे क्या हुआ तुझे? मैंने कहा कि तुमसे मिलना है तो इतरा रहा था। अरे वो तुझसे ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, देखना वो जरूर आएगा। आए या ना आए मुझे बात ही नहीं करनी। अरे यार तू उसे नाराज क्यों कर रहा है? अरे नाराजगी के बाद प्यार करने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है, चलो उससे मिलने चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ए, तेरे लिए शादी का कार्ड मंगवाऊं क्या? अब चलना। हाँ, चलते हैं। भाई प्लीज तुम ही लेके जाओ। क्या रे, मुझे अंदर भेज के मेरी बीवी को विधवा करना चाहता है तेरी तो? ये बहुत समझदार है। आइए सर। क्या हो रहा है? भूख है। रुको मैं देखता हूँ। जाइए भैया। आओ शफीक, आज तुमसे नजरें मिलाने में भी मुझे शर्म आ रही है। ऐसा क्या हो गया? उठाए चप्पल भैया और मार मुझे। भैया लेकिन क्यों? मुझसे गलती हुई। मार मुझे, मार इस चप्पल से, मार मुझे। मैंने इन नालायकों पर भरोसा किया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मार मुझे, मार मुझे, रुकिए, मार। ऐसा क्यों कर रहे हो? और नहीं तो क्या? तूने मेरी खातिर क्या कुछ नहीं किया? तूने एक लड़की तो मांगी थी मुझसे, वो भी मैं नहीं दे सका तुझे। लानत है, लानत है। शांत हो जाइए। शेषनाग शंकर अब खत्म हो गया। भैया आप कुछ नहीं करेंगे, आपको साहिल का सर चाहिए और मुझे बस ईशा को हासिल करना है। वो ईशा से मिलने जा रहा है, मैं भी साथ जाऊंगा, मौका मिलते ही उसका खेल खत्म कर दूंगा। अरे गेंडे तुझे बहुत जल्दी हो रही है, इतनी मार खाने के बाद हमारा खर्चा भी करवाया, ये देखो तुम्हें 5 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। भाई मैं जाऊँ क्या? घर जाके खाना खा के सो जा, चल कल। अपने गांव की मिट्टी की कुछ अलग ही बात होती है और वो बचपन की शरारतें